बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्वनी मंगल और आप सभी का एस्ट्रो तक पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एस्ट्रो तक चैनल एक बहुत ही खास चैनल है जो कि आपका अपना चैनल है, ये चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, आज हम पूजा आराधना की बात करेंगे। नवरात्र चल रहे हैं, महागौरी की पूजा आराधना की बात करेंगे। अपने घर को अच्छे से साफ करें, जमीन पर चादर या फिर गलीचा बिछाएं, चौकी पर खेतरी रखें और खेतरी को मौली जरूर बांधें। ऐसा करके विशेष लाभ प्राप्त होता है। ऐसा करके आप मां की पूजा आराधना बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो कंजकों को अपने घर पे बुलाकर यथा शक्ति अनुसार उन्हें दक्षिणा देकर विदा करने का दिन है और साथ ही साथ में राशि अनुसार मां की पूजा आराधना यदि आप करते हैं तो बहुत जल्दी लाभ मिलता है। चलिए शुरू करते हैं राशियों का सिलसिला और शुरू करते हैं मेष राशि के साथ। मेडिटेशन करें अर्थात ध्यान लगाएं। यदि अपना ध्यान आप सहस्त्रधार चक्र पर लगा सके तो बहुत ही अच्छी बात है। मां को लाल चुनरी अर्पित करें, इससे आपकी सुंदरता बढ़ेगी, आपके कार्य बढ़ेंगे। बात करेंगे वृष राशि की। मां महागौरी को सुहाग का सामान अर्पित करें, कंजकों को हलवा पूरी का प्रसाद वितरित करें और मां को इत्र अर्पित करें, इससे आपकी खुशियां बढ़ेंगी, आपके कार्य बनेंगे और कार्यों में आ रहे विलंब दूर होंगे। बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि है यदि आपकी, तो ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करें, अपना ध्यान सहस्त्रधार चक्र पर जरूर लगाएं, मेडिटेशन करें अर्थात एकाग्र करें अपने ध्यान को, और सहस्त्रधार चक्र पर ध्यान लगाने से आपको बहुत जल्दी लाभ मिलता है। मां को चूड़ियां अर्पित करें, कार्यों में आए हुए विघ्न दूर होंगे और कार्य पूरे होंगे। बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि है यदि आपकी, तो पूजा आराधना करते हुए मंत्र का जाप करें, या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरी रूपेण संस्था नमस्तस्ते 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 नमो नमः इस मंत्र का जाप करें, इस मंत्र के जाप से विशेष लाभ होता है। एक और खास मंत्र है ओम नव दुर्गा नमः, इस मंत्र का जाप करें, इस मंत्र के जाप से बहुत जल्दी लाभ होता है। कंजकों को हलवा पूरी का प्रसाद वितरित करें, इससे आपके आर्थिक संकट दूर होंगे, आपके कष्ट दूर होंगे और कर्जा भी उतरेगा। बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि है यदि आपकी, तो मां को लाल चुनरी अर्पित करें, मां की पूजा के साथ साथ सिंह की पूजा भी जरूर करें। आपकी राशि का स्वामी सिंह है, इसलिए सिंह की पूजा आराधना जरूर करें, धन का लाभ आपको जरूर होगा। बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि है यदि आपकी, तो मां को हरी चूड़ियां अर्पित करें, ओम नित्या बुद्धाय नमः इस मंत्र का जाप करें, कार्यों में आए हुए विघ्न दूर होंगे और कार्य आपके जरूर पूरे होंगे। बात करेंगे तुला राशि की। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जाप करें, मां को सुगंधित द्रव्य अर्पित करें, इससे आपकी खुशियां बढ़ेंगी, आपके कार्य बनेंगे, कार्यों में आ रही परेशानियां दूर होंगी। बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि है यदि आपकी, तो सात कन्याओं को भोजन करवाएं और भोजन करने के पश्चात उन्हें दक्षिणा दें, मंत्र का जाप करें, सर्व मंगल मांगले शिवे स्वार्थ साधिके शरणई त्र्यंबकई गौरी नारायणी नमस्तुते इस मंत्र का जाप करें और मां को लाल चुनरी अर्पित करें, इससे आपकी सुंदरता बढ़ेगी, आपकी ऑरा बढ़ेगी, आप अपने कार्यों को बहुत आसानी से कर सकेंगे, कार्य में आई हुई परेशानियां दूर अवश्य होंगी। और अब बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि है यदि आपकी, तो दुर्गा सप्तशती का पाठ अपने घर पे जरूर करें, मां को सुहाग का सामान अर्पित करें, मां को लाल वस्त्र अर्पित करें, ऐसा करने से विशेष लाभ होगा, खास तौर पे आपके व्यापार में लाभ होगा, व्यापार में आए हुए कष्ट दूर होंगे और यदि आपने लोन लिया हुआ है, कर्जा लिया हुआ है तो जल्दी उतरेगा। बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि है यदि आपकी, तो गौरी शंकर रुद्राक्ष मां को अर्पित करें, दो मुखी रुद्राक्ष जल में भिगो दें और इस जल को आप सुबह शाम पिए, ऐसा करने से विशेष लाभ होता है। मां को कमल का फूल अर्पित करें, कार्यों में विलंब
दूर होंगे, कार्य जल्दी बनेंगे और आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति अवश्य होगी। बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि है यदि आपकी, तो ओम हरिम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करें। ओम महागौरी मैया रक्षा करो इस मंत्र का जाप करें। माँ को सुहाग का समान अर्पित करें। इससे आपके क्लेश दूर होंगे, आपके कष्ट दूर होंगे और आप बहुत जल्दी अपने कार्यों को कर सकेंगे। बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि है यदि आपकी, तो माँ को कमल का फूल अर्पित करें। कंजकों के पैर जरूर धोएं, कंजकों को अपने घर पे बुलाकर उनके पैर जरूर धोएं। माँ का आशीर्वाद आपको मिलेगा और अपने कार्यों को आप बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।